हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको स्किन वॉकर्स को देखे जाने की कुछ रहस्यमय घटनाएं बताने वाला हूं। इसमें जो लास्ट स्टोरी है वो इंडियन है। नहीं, वो कोई स्किन वॉकर की स्टोरी नहीं है, वो मेरे एक सब्सक्राइबर के साथ घटी है। ये स्टोरी सुनने में काफ़ी अजीब है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा और मैं आपके इस कमेंट को पिन कर दूंगा, ताकि जो मेरे बाकी व्यूअर्स हैं वो आपसे स्टोरी से रिलेटेड या इस घटना जो आपके साथ घटी है इससे रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सके। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस कंटेंट सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और खो जाते हैं अंधेरों। मेरा नाम जेफरी है और ये घटना मेरे साथ 1992 में घटी थी। मैं अपने भाई के साथ एल्डोराडो नेशनल फॉरेस्ट कैंपिंग के लिए गया हुआ था। हमारा एक कैंपिंग लोकेशन था तो हम वहीं पर ही जाते थे। हम एक साथ काफ़ी दिनों बाद कैंपिंग जा रहे थे, शायद 6 महीने बाद। हमारी कैंपिंग का सारा ज़रूरी सामान हमारे बैग में रखा हुआ था, हम उसको हमेशा ले के ही जाते थे। उसके अलावा हम अपनी सेफ्टी के लिए एक राइफल भी रखते थे और एक शॉटगन भी। हम दोनों लोग एल्डोराडो नेशनल फॉरेस्ट की सबसे शांत जगह पे कैंपिंग करते थे। उस जगह के बारे में शायद किसी को नहीं पता था। वहाँ से पानी की झील भी बहती थी जो कि बहुत अच्छी लगती थी। रात के सन्नाटे में उस झील की आवाज़ बहुत ही सुकूनदायक होती थी। हम जब अपने कैंपिंग साइट पर पहुँचे तो हमने देखा कि वहाँ पर पहले से ही किसी का कैंप लगा हुआ था जो कि बहुत ही ज़्यादा बेकार था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस कैंप को किसी ने तोड़ दिया हो और उसके सारे सामान को किसी ने बिखेर दिया हो। उसमें सारा सामान वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ था और बॉनफायर बुझी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि कोई अपना सारा सामान छोड़ के भाग गया हो या शायद खो गया हो। बड़े ही ताजुब की बात थी क्योंकि हमारे कैंपिंग लोकेशन के बारे में किसी को नहीं पता था, लेकिन आज एक दूसरे आदमी का कैंपिंग का सामान देख के हमारा ये वहम टूट गया। मेरा भाई बहुत ही गुस्से वाला था, उसको अपनी चीज़ें बांटना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, चाहे वो कैंपिंग लोकेशन ही क्यों ना हो। उसने गुस्से में पहले वाले आदमी का सारा टेंट फेंक दिया और उस जगह अपना टेंट लगाया क्योंकि वो उसकी फेवरेट लोकेशन थी। उसके बुझे हुए बॉनफायर को हमने दोबारा जलाया क्योंकि वहाँ पर लकड़ियाँ और फ्यूल पहले से ही था, और हम अपने साथ भी फ्यूल और कुछ लकड़ियाँ लेकर आए हुए थे, इसलिए हमारे पास बहुत ही ज़्यादा लकड़ियाँ और पर्याप्त मात्रा में तेल था, तो हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। हम दोनों करीब 3 दिन के कैंपिंग के लिए गए थे। मेरे भाई का नाम मक था। मक ने मुझको बोला कि वो जंगल में कुछ शिकार करने जा रहा है और खाने के लिए कुछ ले के आएगा। उसको नॉनवेज खाना बहुत ही पसंद था, लेकिन मैं उसके लिए और अपने लिए चिकन सैंडविचेस और खाने का बाकी सामान लेकर आया था। मैंने उसको जाने से पहले मना किया लेकिन फिर भी वो चला गया। शाम हो गई थी और अंधेरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। मक को गए हुए करीब 5 मिनट से ज़्यादा हो गए थे। मैं बॉनफायर जला रहा था। मैंने सोचा कि जब तक मक नहीं आ रहा है मैं सिगरेट ही पी लेता हूँ। उसको नहीं पता था कि मैं सिगरेट पीता हूँ। मेरे पास मैच बॉक्स थी लेकिन वो जल नहीं रही थी, और मक अपने साथ लाइटर लेके चला गया था। उसने बॉनफायर को जला दिया था। मैंने सोचा कि मैं अपने सिगरेट को उसी बॉनफायर की लकड़ी से जला लूं, लेकिन वो आग बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी और शायद मैं जल जाता, इसलिए मैंने उसको नहीं छुआ। जो पहले आदमी का टेंट पड़ा हुआ था जिसको मक ने उठाकर फेंक दिया था, मैंने सोचा कि शायद उसमें कोई माचिस या लाइटर मिल जाए, तो मैं उसमें जाके माचिस को ढूंढने लगा, लेकिन माचिस नहीं मिली। माचिस की जगह मुझको एक जूता मिला। वो जूता करीब 9 से 10 साल के बच्चे का होगा। जूता देखते ही मैं ये समझ गया कि यहाँ पे जो लोग कैंपिंग करने आए थे वो या तो कोई फैमिली होगी जिसमें एक माता पिता और एक बच्चा होगा, या तो कोई सिंगल माँ जो अपने बच्चे के साथ कैंपिंग करने आई होगी। मुझको कुछ भी नहीं पता था, मैं बस अपने दिमाग में यही सब सोच रहा था, लेकिन उससे ज़्यादा मैं ये सोच रहा था कि आखिर वो लोग अपना सारा सामान छोड़ के चले कहाँ गए। उनका ये सारा का सारा सामान वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ था। अंधेरा काफ़ी हो चुका था और मक अभी तक नहीं आया था। वो अपने साथ टॉर्च लेकर गया था। वहाँ पर बस उतनी ही लाइट थी जितनी लाइट हमारी जलाई हुई कैंप फायर से हो रही थी। तभी कुछ देर बाद मक भी आ गया। उसका मूड काफ़ी ख़राब था।
क्योंकि उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला था। मैंने उसको चिकन सैंडविचेस दिए और उसको वाइन दी। हम दोनों कुछ देर बैठ के वाइन और सैंडविचेस खा रहे थे और बैठ के बातें कर रहे थे कि आखिर ये सामान किसका है और वो ये सामान छोड़ के आखिर गए क्यों। मक ने बोला कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रात के करीब 9 बज रहे थे और मुझको बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था क्योंकि वो फॉरेस्ट बहुत ही ज़्यादा शांत हो गया था। आज से पहले जब भी हम कभी यहाँ आए हैं, इतनी शांति वहाँ पर कभी नहीं हुई थी। वहाँ पर हवा भी चलना एकदम बंद हो गई थी। हमको बस नदी के पानी के बहने की आवाज़ आ रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझको ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद हमको कोई दूर से देख रहा है। अंधेरा तो बहुत था, लेकिन चांद की वजह से थोड़ी बहुत रोशनी थी। जंगल की तरफ काफ़ी अंधेरा था। मैंने मक से बोला कि तुमको कुछ अजीब नहीं लग रहा है? उसने बोला, नहीं। मैं उससे बातें करते करते झील की तरफ देखने लगा और वहाँ पेड़ के पीछे एक परछाई खड़ी हुई थी जो हमारी तरफ देख रही थी। मुझको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या चीज़ थी, लेकिन वो या तो कोई लोमड़ी होगी या फिर कोई कुत्ता। मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे बस उसकी परछाई की आउटलाइनिंग दिख रही थी और वो हमारी तरफ देख रही थी। मैं बस अंदाज़ा लगा रहा था और उसकी आंखें भी चमक रही थी। वो काफ़ी देर तक वहीं पर खड़ी होकर हम लोग को देख रही थी। मैंने मक से बोला, मक वहाँ पर कोई है, वो देखो। मक ने सबसे पहले मेरी आंखों में देखा जो कि काफ़ी डरी हुई थी। फिर वो तुरंत पीछे घूमा और उसने जब पीछे की तरफ देखा तो वो परछाई वहीं पर ही खड़ी थी। वो हम दोनों को खड़े होकर करीब 5 मिनट तक देख रही थी। ना वो अपनी जगह से हिली और ना ही हम। जैसा कि मैंने बताया था कि मक गुस्से वाला था, उसने ज़मीन से तुरंत एक कंकड़ का टुकड़ा उठाया और अंधेरे में ही उस कंकड़ के टुकड़े को उस परछाई की तरफ फेंक दिया। अंधेरे में वो पत्थर कहाँ गिरा हमें नहीं पता, लेकिन उसके गिरने की आवाज़ हमें आई थी। मक के कंकड़ फेंकने के बाद हमारी देखते ही देखते हमारी आंखों के सामने वो परछाई अपने आप 4 पैरों से 2 पैरों पर खड़ी हो गई और उसके शरीर का साइज अपने आप धीरे धीरे बढ़ गया, जैसे कोई एप हो। उसकी लंबे लंबे हाथ और पैर साफ साफ नजर आ रहे थे। हम दोनों ने उसको अपना रूप, शेप और साइज बदलते हुए देखा। हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। तभी मक ने अपनी बंदूक उसकी तरफ तान दी। उसके पास शॉटगन थी और जितनी दूरी पर वो परछाई खड़ी थी वहाँ पर शॉटगन की गोली पहुँचना मुश्किल था, लेकिन मक ने अंधेरे में ही शॉटगन चला दी। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि रात में सो रही पक्षियाँ चिल्लाने लगी और अपनी अपनी जगह से उड़ने लगी। गोली चलाते ही वो परछाई तुरंत पेड़ के पीछे चली गई, लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए हमें साफ साफ दिख रही थी। मक ने थोड़ा डरते हुए बोला, शायद वो भूत है। मैंने मक की आंखों में देखा। मैंने आज तक कभी उसको डरा हुआ नहीं देखा था। उसके हाथ कांप रहे थे और चेहरा पूरा पसीने से भीगा हुआ था। पहले हमने उस परछाई को झील की दूसरी तरफ खड़े हुए देखा था, लेकिन अब वो वहाँ से गायब हो चुकी थी। अब वो परछाई हमारी तरफ आके खड़ी हुई थी। इस बार वो करीब हमसे 250 से 300 यार्ड की दूरी पर थी और पहले से ज़्यादा बड़ी थी। मैंने और मक ने अपनी अपनी बंदूक उस परछाई की तरफ तान दी और हम दोनों उसको पीछे की तरफ जाने के लिए बोलने लगे। मक के बोलते ही वो अजीब सी आवाज़ निकालने लगी। हमें ये तो पता चल गया था कि वो कोई भूत प्रेत या इंसान तो नहीं है। उसकी आंखें और भी ज़्यादा चमक रही थी। वो अपना एक एक कदम हमारी तरफ आगे बढ़ा रही थी और उसके हर एक कदम के साथ हम अपना एक एक कदम पीछे की तरफ बढ़ा रहे थे। उसकी आंखें ऐसे चमक रही थी जैसे कि कोई लाल लाइट हो। तभी मक ने डर के उसकी तरफ लेकिन थोड़ा सा नीचे गोली चला दी। वो परछाई वहाँ से हिली तक नहीं, लेकिन वहीं पे चुपचाप खड़ी हो गई और ज़ोर से चिल्लाने लगी। वो आवाज़ मैं आज तक नहीं भूल पाऊँगा। उसकी उस आवाज़ से मुझको और मक को ये पता चल गया था कि वो कोई इंसान तो नहीं था और ना ही जानवर। हम अपना सारा सामान छोड़ के वहाँ से बहुत ज़ोर से भागने लगे और वो अजीब सी परछाई या क्रिएचर हमारी तरफ भागने लगा। हमारी तरफ भागते हुए वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। मक मेरे से आगे भाग रहा था और मैं उसके पीछे था।
वो अजीब सा क्रिएचर साफ साफ मेरे पीछे भागते हुए आ रहा था। मैं थोड़ा आगे जाके एक पेड़ के पीछे छुप गया और उस परछाई को साफ साफ मग के पीछे भागते हुए देखा। मग की जान बचाने के लिए मैंने पेड़ के पीछे से निकल के उस परछाई की तरफ गोली चला दी और वो गोली साफ साफ उसके लगी और वो परछाई वहां से दूसरी तरफ बहुत ही तेजी से भाग गई। मैं दोबारा भागते हुए मग के पास गया। वो पेड़ के पीछे छुपा हुआ था और मग काफी ज्यादा डरा हुआ था। मैंने उसे तुरंत वहां से भागने के लिए बोला और हम दोनों वहां से जितनी जल्दी हो सके बस निकलना चाह रहे थे। हम वहां से अंधेरे में ही निकलने की कोशिश कर रहे थे और उस अजीब सी क्रिएचर की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। हमें साफ साफ पता चल रहा था कि वो हम दोनों को ढूंढ रही है और मेरी गोली लगने से भी उसको कोई भी असर नहीं हुआ। हम भागते हुए उस जंगल से बाहर तो आ गए थे, लेकिन वो क्रिएचर अभी तक हमारे दिमाग से बाहर नहीं गया हुआ था। हम किसी तरह घर पहुंचे और घर पहुंचते ही मग की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि डर की वजह से उसे बुखार आ गया था। और मैं उस फैमिली के बारे में सोच रहा था जो हमसे पहले उस कैंपिंग एरिया में आई थी। मैं ये सोच रहा था कि क्या उस क्रिएचर ने या उस परछाई ने उस फैमिली को मार दिया होगा, या वो हमारी तरह ही वो भी अपना सारा सामान वहां पर छोड़ के वहां से बच के निकल गए होंगे। इसके बाद हम कभी भी उस जगह पर दोबारा नहीं गए और मैं आज तक उस रात के बारे में सोचता हूँ तो घबरा जाता हूँ। तो ये थी पहली घटना। अब मैं आपको दूसरी घटना बताने वाला हूँ। ये घटना घटी थी ब्रिट्स के साथ। अब आगे की घटना मैं आपको ब्रिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम ब्रिट्स है और मैं मिसिसिपी का रहने वाला हूँ। मैं मिसिसिपी नेशनल गार्ड में एक मेडिकल ऑपरेटर हूँ। यह घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मैं ट्रेनिंग पर था। हमारे ट्रेनिंग बेस पर उस टाइम 30 लोग थे। हमारे सार्जेंट ने हमें 15-15 के दो प्लेटून में बांट दिया था, प्लेटून ए और प्लेटून बी। प्लेटून बी को नॉर्थ साइड भेज दिया गया और प्लेटून ए को ईस्ट साइड। मैं प्लेटून ए में था। दोनों प्लेटून को एक दूसरे के प्लेटून पर कब्जा करना था। हमें ये ट्रेनिंग रात के करीब 2:30 बजे कराई जा रही थी। जिस जगह हमारी ट्रेनिंग हो रही थी वो काफी जंगल वाला इलाका था। हमारे प्लेटून के सुपर कमांडेंट हमको दूसरे के प्लेटून पर कब्जा करने के कुछ तरीके बता रहे थे। हमारी प्लेटून में से 5 लोगों को आगे भेज दिया गया और बोला गया कि हम थोड़ा सा आगे जाके कैंपिंग करें, और प्लेटून बी के लोगों को अपनी तरफ आते हुए जैसे ही देखे हमें अपने पूरे प्लेटून को इन्फॉर्म करना था। वो जैसे ही हमारी तरफ आए हमको उन्हें नॉक करना था। हमको जो भी वेपन दिए गए थे वो एकदम असली थे, लेकिन हमें उन्हें चलाने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं थी। हमें उन वेपन्स की जगह लकड़ियों के रॉड दिए गए थे। हमें जैसे ही अगर कोई भी दुश्मन दिखता या दूसरे प्लेटून का कोई भी आदमी दिखता, हमें बस उन्हें पीछे से टैप करना था। मेरे साथ मुझको मिला के 4 लोग और थे जो मेरे साथ आगे आके कैंपिंग कर रहे थे। मैं उस छोटे से ग्रुप को लीड कर रहा था और मेरे पास एक वॉकी टॉकी थी जिससे मैं पल पल की इन्फॉर्मेशन अपने प्लेटून को और अपने प्लेटून कमांडेंट को दे रहा था। हम वहां पर करीब 15 मिनट तक थे और वहीं पर ही कैंपिंग कर रहे थे। हम वहां पर बैठ के एक एक चीज की इन्फॉर्मेशन बता रहे थे। वहां पे कोई भी हलचल नहीं हो रही थी। मैं और मेरी टीम का एक मेंबर बॉब सबसे आगे बैठे हुए थे। बॉब के पास एक नाइट विजन वाली दूरबीन थी जिससे वो रात में भी लोगों को आते जाते देख सकता था। बॉब को किसी भी तरह की कोई भी हलचल नहीं हुई और सेम वही अपडेट मैंने अपने प्लेटून पे वॉकी टॉकी से बताई। काफी शांति थी और अंधेरा भी बहुत ज्यादा था, कुछ भी ठीक से नहीं दिख रहा था। मैं अपनी कैंपिंग की टीम को एक एक इन्फॉर्मेशन दे रहा था और उनको हर चीज के बारे में बता रहा था। तभी बॉब ने अचानक से गोली चला दी। उसके बिना वजह गोली चलाने से हम लोग शॉक्ड हो गए और दूसरे प्लेटून बी को भी गोली चलाने की आवाज आई। हमारे कमांडर ने जब गोली चलाने की आवाज सुनी, उन्होंने तुरंत वॉकी टॉकी पे मुझसे पूछा कि क्या हो गया और हमें बहुत हड़काया। उन्होंने हमसे बोला कि जब हमने तुम्हें गोली चलाने की परमिशन नहीं दी थी तो तुमने गोली क्यों चलाई। उस टीम को मैं लीड कर रहा था, इसलिए सारा सवाल और जवाब मुझी से ही हो रहा था। मैंने बॉब से पूछा कि तुमने आखिर गोली क्यों चलाई। वो काफी डरा हुआ था। उसने दूरबीन को हटाते हुए मुझसे बोला कि वहां पर कोई है, मैंने कुछ बहुत अजीब सा देखा। बॉब ये चीज अपने मन में ही बड़बड़ा रहा था। मैंने तुरंत बॉब को हिलाया और मैंने उससे दोबारा पूछा
कि क्या हुआ, तुमने क्या देखा? उसकी आंखें एकदम लाल हो गई थी। मैंने बॉब से दोबारा पूछा कि तुमने क्या देखा। उसने बताया कि उसने एक बहुत ही अजीब सी परछाई देखी जो हमारी तरफ पड़ते हुए आ रही थी। मैंने उससे पूछा कि वो परछाई किस चीज की थी। उसने मुझे डरते हुए बताया कि वो कोई अजीब सा क्रीचर था। मुझे वॉकी टॉकी पर बार बार सवाल पूछे जा रहे थे। जैसे ही बॉब ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी, मैंने वो पूरी इन्फॉर्मेशन अपने प्लेटून कमांडेंट को बता दी। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। उन्हें लगा कि शायद हम कोई बहाना दे रहे हैं। उन्होंने तुरंत पूरी एक्सरसाइज को कैंसिल करवा दिया और कुछ समय के लिए पूरी ट्रेनिंग को बंद करवा दिया। वो तुरंत भागते हुए हमारे पास आ रहे थे। उन्होंने हमसे बोला कि जब तक गोली चलाने का सही रीज़न उन्हें पता नहीं चल जाएगा, वो किसी तरह की कोई भी ट्रेनिंग नहीं करवाएंगे। वो हमारे पास अपने दो स्नाइपर्स के साथ आ रहे थे। वो हमसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे। उन्होंने हमसे बोला था कि हम जहाँ पर भी कैंपिंग कर रहे हैं, हम चुपचाप वहीं पर ही बैठे रहें। वो आगे पूरे एरिया का मुआयना करेंगे। हम चुपचाप अपने सारे हथियार रख के वहीं पर उनका इंतज़ार कर रहे थे। हमारी तरफ आते हुए उन्हें जंगल में कुछ हलचल होती हुई महसूस हुई। उनको जैसे ही वो अजीब सी हरकत दिखी, उन्होंने अपने स्नाइपर से देखने के लिए बोला। उस स्नाइपर की बंदूक में नाइट विजन का स्कोप लगा हुआ था, जिसको अंधेरे में सब कुछ बहुत ही ज़्यादा क्लियर दिखाई देता था, क्योंकि उसके पास काफ़ी अच्छी स्नाइपर राइफल थी। उन्होंने जो चीज़ देखी उससे सबकी हालत ख़राब हो गई। उनको एक अजीब सी चीज़ दिखी जो कि काफ़ी भयानक थी। जंगल में वो क्रीचर उनसे करीब 100 से 150 यार्ड की दूरी पर खड़ा था और काफ़ी ज़्यादा खूंखार लग रहा था। उन्होंने ये भी बताया कि वो क्रीचर काफ़ी ज़्यादा अजीब था। उसका पूरा शरीर एक भालू के जैसा था, लेकिन उसमें से हड्डियाँ दिख रही थी। उन्होंने ये भी बताया कि उसके शरीर से मांस टपक रहा था। ये सारी चीज़ें उन्होंने उस स्नाइपर के स्कोप से देखी जो कि नाइट विजन में एकदम साफ साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने तुरंत दोनों प्लेटून ए और प्लेटून बी में ये सारी बातें इन्फॉर्म कर दी और हम सबसे बोला गया कि हम बिना कोई हलचल किए चुपचाप अपने बेस पर वापस आ जाएं। हमने भी उनके ऑर्डर्स को फॉलो किया। ये पता चलने के बाद हम अपने बेस से बाहर तक नहीं निकले। हमें ये ऑर्डर मिले थे कि हम इसके बारे में किसी को भी ना बताएं, और हमारी एक महीने तक कोई भी ट्रेनिंग नहीं हुई। ऐसे बहुत से लोग थे हमारे ग्रुप में और हमारे सीनियर्स में जो बॉब की और प्लेटून कमांडेंट और उनके स्नाइपर की बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने इससे पहले ऐसे किसी भी क्रीचर का नाम नहीं सुना है। लेकिन मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि वो लोग झूठ नहीं बोल रहे थे, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से उस क्रीचर के बारे में जानता हूँ। वो कोई और नहीं, एक स्किन वॉकर था जो अपने शिकार की तलाश में रात में जंगल में भटक रहा था। ये थी दूसरी घटना। अब मैं आपको तीसरी घटना बताने वाला हूँ। ये तीसरी घटना जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये घटना मेरे एक सब्सक्राइबर के साथ घटी थी, जो कि इंडिया की घटना है। ये कोई स्किन वॉकर से रिलेटेड घटना नहीं है। इनकी ये घटना सुनने में थोड़ी अजीब है, तो अगर आप इनके साथ घटी इस घटना के बारे में इनसे रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इनको कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये घटना पढ़ने के बाद मैं तो ये चाहता था कि काश ये घटना झूठी हो। जिनके साथ ये इंसिडेंस हुआ है उनका नाम है कुलदीप, और इन्होंने ये इंसिडेंस कमेंट बॉक्स में और मेरे इंस्टाग्राम पे पर्सनली शेयर किया था। अब आगे की घटना मैं आपको कुलदीप जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम कुलदीप है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। ये मेरे साथ 2021 में घटी थी। तब मेरी उम्र करीब 13 साल की थी। जहाँ के हम रहने वाले हैं वहीं से कुछ दूर एक पुराना घर है। वो घर किसका है और कितना पुराना है ये बात किसी को नहीं पता थी। बाहर से देखने में वो घर काफ़ी अजीब और डरावना लगता था। एक बार शाम के टाइम मैं और मेरे 4 दोस्त, हम सब ने मिलकर यह प्लान बनाया कि हम लोग उस घर के अंदर जाएंगे। मेरा एक दोस्त है हर्ष, उसी ने मुझे ये बात बताई कि आज हम उस घर के अंदर जाने वाले हैं। मैं और मेरे 4 दोस्त हर्ष, अंकित, आदित्य और शुभम है, हम सब उस घर के अंदर गए। उस टाइम शाम होने वाली थी। जब हम उस घर के अंदर गए तो वहाँ का नज़ारा काफ़ी अजीब और डरावना था। शायद हम 5 लोगों से पहले उस घर में पहले कोई भी नहीं आया था और काफ़ी सालों से वो घर बंद भी पड़ा हुआ था। जब हम उस घर के अंदर गए तो वहाँ पे बहुत अजीब सी नेगेटिव वाइब आ रही थी जो कि हमने महसूस कर लिया था। हम जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े, पता नहीं मेरे दोस्त अंकित को क्या हुआ, वो कुछ अजीब सी हरकतें करने लगा। उसके बाद वो अपने आप एक कमरे की तरफ जा रहा था
ऐसा लग रहा था कि कोई अजीब सी शक्ति उसको उस कमरे की तरफ खींच रही हो, और वो कमरे के अंदर जाके उसका दरवाज़ा बंद हो गया। वो कमरे के अंदर ही चिल्ला रहा था और हम सब काफ़ी डर गए थे। हमारी हिम्मत नहीं हुई उस कमरे के अंदर जाने की, इसलिए हम सब भाग के ऊपर चले गए और वहाँ पे एक लकड़ी पड़ी हुई थी जिससे हमने ऊपर की खिड़की तोड़ दी। उस कमरे में एक अजीब सी तावीज़ पड़ी थी जिसको मैंने उठा लिया। हम उस खिड़की को तोड़ के उस कमरे से बाहर निकल गए और हमें काफ़ी डर भी लग रहा था। जब उस खिड़की से हम लोग बाहर निकल रहे थे तो हम लोग को काफ़ी चोट भी आई, लेकिन हम अपने घर चले गए। हमने घर जाके अपनी मम्मी को सब कुछ बताया। अंकित की मम्मी हमसे अंकित के बारे में पूछ रही थी, लेकिन हम उन्हें कुछ भी नहीं बता पाए। फिर सब लोग अंकित को ढूंढने उस घर में गए, लेकिन वो नहीं मिला। उस लॉकेट की वजह से मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी और मैंने मम्मी को ये बात बताई। तभी मम्मी ने बगल के एक पुजारी को बुलाया और उनको सारी बातें बताई। उस पुजारी ने उस लॉकेट को देखा और बोला कि यह लॉकेट श्रापित है, हमें एक पूजा करनी पड़ेगी और इस लॉकेट को नष्ट करना पड़ेगा। उन्होंने घर में एक हवन कराया और उस तावीज़ को उसी हवन कुंड में डाल के नष्ट कर दिया। उन्होंने ये बताया कि वो तावीज़ और वो घर श्रापित और भूतिया है। उस दिन के बाद से मेरी तबीयत ठीक हो गई और मुझे सपने में वो घर दोबारा नहीं दिखा जो कि पहले दिख रहा था। मेरी तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। मैं और मेरे दोस्त दोबारा वहाँ पर फिर कभी नहीं गए और अंकित का आज तक पता नहीं चला। तो ये थी 3 घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मुझे कमेंट करके बताइए कि अगली वीडियो में किस टॉपिक पर बनाऊँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर।